ਕਰਨਾ ਜੱਟੀ ਨੇ ਓ ਮੁਖ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਊਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਊਂ ਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਕਰੂੰ ਐ ਸਜਾ ਦੂ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਊਂ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਜੱਟੀ ਮਾਰਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਓਏ आपको ईद मुबारक। नमाज नमूज हमने पढ़ लिया क्योंकि सुबह बारिश वाला मौसम था, हमने व्लॉग इसलिए नहीं शुरू कर पाए, तो अब शुरू करते हैं व्लॉग अपना। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, चलो तो चलते हैं साथ साथ ऊपर ऊपर जाके आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं और थोड़ा कुछ ऊपर आते जाते जाते ऊपर। सही सर्दी हुई है यार, ठंडा यक पानी छोड़ यार, मैं वेदर दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में, चेक करो वेदर, वेदर भी दिखाते हैं, कुर्बानी की भी वीडियो आएगी आपके लिए, एक हमने डिफरेंशिएट भी बनाया है वो भी आपको दिखाएंगे। भाई के लिए प्रेयर कर दीजिए, भाई को ईद वाले दिन ही जुकाम हो गया है, भाई को ईद वाले दिन ही चोड़ लग गई। दिखाओ यार क्या दर्द लगी, शो नहीं मारता भाई, भाई कहता चोड़ लग गई तो मैं क्या करूँ। अब थोड़ा सा वेदर दिखाते हैं, तीसरे भाई को आप मिस कर रहे होंगे, तीसरा भाई भी यार इधर किधर ही है, नाश्ता नुश्ता लेने गया है, तो बस बस अभी बस ये थोड़ा बहुत कपड़े देर के पहने हैं, इसके बाद तो आने लगे। गाइस अब आ चुके हैं अपनी दूसरी छत पर, बहुत ज़्यादा छतें हैं हमारी, एक वो है एक अब ये वाली है जिधर मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, ये भी 3 से 4 छतें हो जाती हैं टोटल मिला के। इधर से सही है, आपको व्यू दिखाऊँगा, मैंने उधर व्यू का वादा किया था ना कि थोड़ी सी ऊँची है जिसकी वजह से क्या व्यू है पीछे का। इसी तरह एक बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई है, हमने सबसे ईद मिली अपने तो अपने पुत्रों से ईद ही नहीं मिली यार, वो देख उदास हो गया। ईद मुबारक कर देते तेरा, उसका बच्चा ही है, ईद मुबारक ये उसका बच्चा है। गाइस ईद मुबारक, बस आपकी नस्लों ने हमें फॉलो करना है, हम रोज ईद मिलने आया करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितने क्यूट क्यूट हैं, उम्मीद है कि नजर आ रहा होगा आपको, अगर नहीं आया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया। बहुत प्यारी बात आ रही है, बोर नहीं होना, बस अभी इसके बाद कुर्बानी वाला सीन ही आएगा। अभी तो बच्चा आएगा तो लाएंगे ना कुछ, अभी बच्चा ही नहीं पहुंचा भाई साहब गाँव से, हम पता क्या परचेज करके ना अपना जानवर तो गांव में रख देते हैं, गांव में वहीं रख देते हैं, हवेली में रख देते हैं, तो अभी तक आया ही नहीं क्योंकि बारिश हो गई थी। बस उम्मीद है कि आवाज क्लियर आ रही हो आपको, मस्जिदों में अभी और नमाज हो रही काफी ज्यादा।
कुर्बानी डन हो चुकी है, मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब खाने की बारी है, ये खाना मैंने आपको दिखा दिया खाना कैसे है। ये सारे हमारे पास खाने के लिए हैं, ये हमारे प्रोफेशनल कसाई थे जिन्होंने बहुत मेहनत की। आज एक टांग खाई है और भाई साहब इन्होंने मुंह पकड़ा था, बच्चे ने रस्सी तोड़ी, टांग में बैठे रस्सी तोड़ी, पहली बार टूटी नहीं थी। अच्छा यार ठीक है भाई, भाई बहुत 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 भूख लगी है, बच्चे ने सारी ताकत खत्म। बाबा